हेलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर फाइव फ्रैक्शन विद सेल्फ प्रैक्टिस फाइव ए फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ईच डायग्राम स्टेट हमारे पास फर्स्ट डायग्राम गिवन है जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर है जिसको हमने फोर पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है और उसका वन पार्ट हमारा शेडेड है तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स देन द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स द फ्रैक्शन शेडेड एंड द फ्रैक्शन अनशेडेड तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करते हैं हमारे पास अब हमारे पास ये जो फिगर गिवन है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है फोर में तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हो गए यहाँ पे फोर नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स हमारे पास फोर में से कितने पार्ट शेडेड है ओनली वन पार्ट शेडेड है जो मैंने रेड जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स है वो आ गया वन अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है शेडेड पार्ट्स की जो फ्रैक्शन शेडेड की है तो इस शेडेड की फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएंगे हमारे पास पार्ट्स हैं फोर और हमारे पास इसमें पार्ट शेडेड कितना है ओनली वन है तो हमारे पास फ्रैक्शन यहाँ से आ गई है वन अपॉन फोर नेक्स्ट डी पार्ट में हमें करना है द फ्रैक्शन अनशेडेड मतलब हमारे पास टोटल पार्ट्स को हमें डिनोमिनेटर में ही रखना है डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा फोर क्योंकि फोर पार्ट्स हैं अब कितने पार्ट्स हमारे बिना शेडेड हैं तो रेड कलर से सिर्फ ओनली वन पार्ट है तो हमारे पास वन वन टू वन टू एंड थ्री पार्ट्स हमारे पास अनशेडेड है तो हमारे पास जो अनशेडेड की फ्रैक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी थ्री अपॉन फोर नाउ कम टू पार्ट सेकेंड सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो फिगर गिवन है उसको वो एक रेक्टेंगुलर शेप है बट उसमें कितने पार्ट्स है वन टू थ्री फोर फ़ाइव तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है कि द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स तो कितने पार्ट्स हैं इसके वन टू थ्री फोर फ़ाइव तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइव अब हमें बताना है द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स फाइव में से जो मैंने रेड से हमारे पास प्रिंटेड पार्ट्स है वो कितने हैं टू हैं तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं हमारे पास शेडेड पार्ट्स कितने आ गए हैं टू अब द फ्रैक्शन शेडेड शेडेड में हमारे पास सबसे पहले डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स लिखना है टोटल पार्ट्स है हमारे पास फ़ाइव और शेडेड पार्ट किसने कितने हैं उसमें से टू तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है टू अपॉन फाइव नाओ द फ्रैक्शन अनशेडेड अनशेडेड पार्ट्स में हमारे पास कितने दो पार्ट शेडेड है लेकिन तीन पार्ट्स हमारे पास बिना शेड के हैं यानी सिंपल पार्ट्स है वन टू थ्री थ्री पार्ट्स हैं तो हमारे पास थ्री पार्ट अनशेडेड हैं और अपोन में हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं फाइव तो हमारे पास यहाँ से अनशेडेड की फ्रैक्शन आई है फ्रैक्शन आई है थ्री बाई फाइव शेडेड की फ्रैक्शन आई है टू बाई फाइव शेडेड पार्टस है हमारे पास टू एंड हमारे पास नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इस फिगर के फाइव नाउ कम टू पार्ट थ्री एंड द फिगर अब की बार हमारे पास जो फिगर है वो एक ट्रेंगुलर शेप में और ट्रेंगल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो अब हमारे पास सबसे पहला पार्ट है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ट्रेंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है टू तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से टू अब हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट शेडेड पार्ट दो में से सिर्फ हमारे पास जो रेड रेड कलर से पार्ट है वो ओनली वन है अब लिखा हुआ है द फ्रैक्शन शेडेड शेडेड की क्या फ्रैक्शन है नंबर ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास कितने हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो टू हैं और उसमें से जो शेड पार्ट है वो वन है तो यहाँ से हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी शेडेड पार्ट की वो वन बाय टू आ जाएगी नेक्स्ट हमें बताना है द फ्रैक्शन अनशेडेड अनशेडेड कौन सी है एक पार्ट शेड किया हुआ है तो दूसरा हमारे पास जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है वो अनशेडेड है तो वन और कितने पार्ट्स है टोटल टू तो यहाँ से हम कह सकते हमारे पास क्या आया है कि जो शेडेड अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है वो भी वन बाय टू आया है फ्रैक्शन जो शेडेड है वो भी वन बाई टू आया है और जो सिंपल शेडेड पार्ट है वो भी वन है लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है वो कितने हैं यहाँ से टू नाउ कम टू फिगर फोर्थ फिगर फोर्थ में भी हमें रेक्टेंगुलर शेप की एक फिगर है जो हॉरिजेंटली हमारे पास फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है और वर्टिकली हमारे पास थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है तो सबसे पहले पार्ट में हमें क्या बताना है कि इसके इक्वल पार्ट्स कितने हैं तो यहाँ से हमारे पास अगर हम काउंट करें हॉरिजेंटली तो हमारे पास फोर पार्ट्स हैं और वर्टिकली थ्री पार्ट्स हैं तो टोटल पार्ट्स आ गए हमारे पास ट्वेल्व पार्ट बी में हमें बताना है द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स तो शेडेड पार्ट्स जो मैं मैंने रेड कलर से पॉइंट आउट किए हैं उनको काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हमारे पास शेडेड पार्ट्स आए हैं सिक्स नाउ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है द फ्रैक्शन शेडेड शेडेड पार्ट्स की शेडेड पार्ट अभी हमने लिखे हैं ऊपर कितने हैं सिक्स हैं अपॉन में डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स लिखते हैं तो हमारे पास आ गए ट्वेल्व अब हमें जो अन अनशेडेड का लिखना है फ्रैक्शन उसमें भी सेम क्या करना है हमारे पास अनशेडेड के भी पार्ट्स कितने हैं सिक्स है सिक्स शेड है, है तो सिक्स अनशेडेड बच गए हैं अपॉन में जो वाइट पार्ट्स सबको नजर आ रहे हैं वो है अनशेडेड और अपॉन में टोटल पार्ट्स हमारे पास आएंगे ट्वेल्व तो अनशेडेड का फ्रैक्शन भी आया है सिक्स बाय ट्वेल्व शेडेड का फ्रैक्शन भी आया है सिक्स बाय ट्वेल्व शेडेड पार्ट्स आए हमारे पास सिक्स और इक्वल पार्ट्स आए हमारे पास ट्वेल्व नाउ कम टू फिगर फोर्थ फोर्थ में हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल को इसने एट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है अब हमें बताना है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स तो सारे पार्ट्स को अगर हम काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इक्वल पार्ट्स हैं हमारे पास अब नंबर ऑफ़ शेडेड पार्ट्स सारे के सारे पार्ट्स ही हमारे पास शेडेड है क्योंकि शेडेड पार्ट्स को मैंने रेड से शो किया है तो हमारे पास शेडेड पार्ट्स भी एट हो गए अब हमें फ्रैक्शन बतानी है शेडेड के तो शेडेड पार्ट्स कितने एट अपॉन में हमारे पास फ्रैक्शन कितनी है टोटल इक्वल पार्ट्स कितने एट तो एट बाई एट हो गया इसका फ्रैक्शन अब हमें बताना है द फ्रैक्शन अनशेडेड अनशेडेड तो कोई भी पार्ट नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा जीरो अब में टोटल एट तो यानी हमारे पास जो अनशेडेड की फ्रैक्शन आएगी वो जीरो बाई एट आएगी शेडेड की फ्रैक्शन एट बाई एट आएगी शेडेड पार्ट्स हमारे पास एट आएंगे और इक्वल पार्ट्स हमारे पास एट आएंगे नाउ सिक्स पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमारे पास फिगर गिवन है इसमें हमें क्या बताना है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये भी एक टाइप से रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें होरिजेंटली इसको एट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वर्टिकली हमारे पास थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो हमारे पास जो इक्वल पार्ट्स हैं वो होरिजेंटली एट है और वर्टिकली थ्री है तो एट को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा ट्वेंटी फोर तो इसके इक्वल पार्ट्स हमारे पास ट्वेंटी फोर है अब जो शेडेड पार्ट्स है वो हम काउंट करेंगे जो रेड पार्ट है वो शेडेड है टोटल हमारे पास जो शेडेड है वो आएंगे थर्टीन पार्ट्स अब हमें फ्रैक्शन बतानी है शेडेड की शेडेड पार्ट्स कितने हैं हमारे पास थर्टीन टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं ट्वेंटी फोर अब अनशेडेड पार्ट्स हमारे पास यहाँ से बच गए हैं जो अनशेडेड है उनको काउंट करेंगे तो हमारे पास एट औरजेंटली एंड नाइन टेन इलेवन इलेवन पार्ट्स हमारे पास अनशेडेड है टोटल थे हमारे पास ट्वेंटी फोर तो अनशेडेड की फ्रैक्शन आएगी इलेवन अपॉइंट ट्वेंटी फोर शेडिड की फ्रैक्शन आएगी थर्टीन अपॉइंट ट्वेंटी फोर नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स हमारे पास आए हैं थर्टीन एंड नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स हमारे पास आए हैं ट्वेंटी फोर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू ड्रो एक्वायर विद साइड्स फोर सेंटीमीटर डिवाइडेड इन टू सिक्सटीन इक्वल पार्ट्स एंड शेड नाइन अपॉन सिक्सटीन ऑफ इट इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर बनाना है मेजरमेंट करके उसकी स्क्वायर की सारी साइड्स एक साइड फोर सेंटीमीटर हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो चारों साइड हमें फ़ोर सेंटीमीटर लेनी है उसको सिक्सटीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है उसके बाद में हमें उसके शेड करने हैं सिक्सटीन पार्ट में से सिर्फ नाइन पार्ट्स को मैंने स्क्वायर ड्रॉ ड्रो किया है जिसकी सा, चारों साइड्स हमारे पास फ़ोर सेंटीमीटर हैं फोर सेंटीमीटर इसकी साइड ली है हमने चारों साइड हमारे पास फ़ोर सेंटीमीटर हैं और हम मैंने इसको सिक्सटीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वली यानी फोर होरिजेंटल रो बनी है हमारे पास फोर वर्टिकल रो की बनी है अब हमें क्या करना है हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है फ्रैक्शन वो हमारे पास क्या है फ्रैक्शन यहाँ पे कि हमें इसको शेड करना है नाइन इसके पार्ट शेड करने अपॉन सिक्सटीन टोटल पार्ट्स में से हमें इसके नाइन पार्ट्स को शेड करना है तो हम उसकी शेडिंग स्टार्ट करते हैं हमने शेडिंग स्टार्ट कर दी है और ये हमारे पास एट्थ ब्लॉक है जिसको भी मैंने शेड कर दिया है एंड दिस वन इज़ लास्ट पार्ट नाइन पार्ट अब अगर हम काउंट करके देखते हैं अपने रेड बॉक्सेस को तो हमारे पास कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और हमारे पास टोटल क्या था सिक्सटीन पार्ट्स थे सिक्सटीन पार्ट्स में से हमने नाइन को शेड कर दिया है तो हमें सिर्फ इसमें यही करना था इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन जो नाइन अपॉन सिक्सटीन आई है वो शेडेड पार्ट्स की है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री द एल शेप इज डिवाइडेड टू फोर पार्ट्स वाई इज द शेडेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू वन अपॉन फोर ऑफ द शेप हमें एक एल शेप की फिगर गिवन है जिसको इस बुक में जिसको फिगर जिस फिगर को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हमें हमें ये बताना है कि इसमें इस शेप को अगर ये शेडिड जो स्क्वायर है ये वन अपॉन फोर शेप के इक्वल क्यों नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम इजी इस, इस फिगर को हम इजिली देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि फिगर को अगर हम इजिली देखेंगे तो हमारे पास जो शेप है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है तो अगर हमारे पास शेप इक्वली डिवाइडेड नहीं है तो हम इजिली कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो वन अपॉन फोर पार्ट नहीं आएगा बिकॉज द शेप इज नॉट डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर एंड द स्टेटमेंट इज राइट ए फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पार्ट इज फाइव एट्थ बी पार्ट इज थ्री फिफ्थ एंड सी पार्ट इज टू नाइन्थ मीन्स हमारे टोटल पार्ट्स जो फिफ्थ एट्थ है फर्स्ट पार्ट को अगर हम करते हैं तो हमारे पास फाइव एट्थ एट्थ मतलब एट पार्ट्स हैं उसमें से हमारे पास कौन सा पार्ट गिवन है फाइव तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी फाइव अपॉन एट इन पार्ट बी क्या दे रखा हमें थ्री फिफ्थ यानी फिफ्थ में से कितना पार्ट है थ्री तो ये फ्रैक्शन हो गई हमारे पास थ्री बाय फाइव नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है टू नाइन्थ यानी नाइन्थ पार्ट में से कौन सा पार्ट है न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा टू तो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास टू बाय नाइन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव एंड स्टेटमेंट इज राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस हमारे पास ए बी सी डी एंड ई पार्ट्स में फ्रैक्शन गिवन है और हमें उसमें ये बताना है कि न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा फ्रैक्शन में तो सबसे पहले हमारे पास हम ए पार्ट को देखते हैं तो ए पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन में हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट होता है होरिजेंटल लाइन से अपवार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर होता है औरजेंटल लाइन से जो नीचे जो ओरिजेंटल बार गिवन है ना ये जो बार नजर आ रहा है हमें इसमें जो निचे वाला पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है तो फर्स्ट फ्रैक्शन में अगर हम देखेंगे तो, N से मैं को लिख रही हूं, तो हमारे पास एट हम तो न्यूमरेटर तो हो जाएगा एट ओरिजेंटल बार ये हमारे पास ओरिजेंटल बार है तो डी डी से मैंने रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी थ्री इन पार्ट सी सी में हमारे पास क्या होगा हॉरीजेंटल लाइन से ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है मतलब इलेवन है और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है इसमें होरिजेंटल बार से नीचे 18 है तो वो हमारे पास हो गया डिनोमिनेटर जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एन से अगेन इन पार्ट डी में हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है 47 सेवन अपॉन तो इसमें न्यूमरेटर हो जाएगा हमारे पास 47 और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास नाइन्टी इन लास्ट पार्ट ई ई में फ्रैक्शन है हमारे पास नाइन अपॉन वन तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर क्या हो जाएगा नाइन एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा वन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड द स्टेटमेंट इज राइट अ फ्रैक्शन हु उज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन हमें सिक्स क्वेश्चन में फ्रैक्शन लिखनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गिवन है ए पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर दे रखा है सेवन और डिनोमिनेटर दे रखा है ट्वेल्व तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं ए पार्ट ए पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर में क्या मैं फ्रैक्शन को एफ़ से डिनोट कर रही हूँ फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है न्यूमरेटर और ये जो होरिजेंटल लाइन है इसको हम फ्रैक्शनल बार बोलते हैं अपॉन में डिनोमिनेटर अब यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर क्या है आपके पास सेवन अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है आपके पास ट्वेल्व तो यहाँ से आपके पास जो फ्रैक्शन आई है वो क्या आ गई है सेवन अपॉन ट्वेल्व नाव कम टू बी पार्ट बी पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर दे रखा है ट्वेल्व और डिनोमिनेटर दे रखा है नाइनटीन सेम फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे फ्रैक्शन को एफ से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है ट्वेल्व और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया है नाइनटीन तो यहाँ से हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वो आई है ट्वेल्व अपॉन नाइनटीन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन नेम द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और उसका उसकी नेमिंग करने के से फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है तो हमारे पास ए पार्ट में जो फ्रैक्शन गिवन है वो है थ्री अपॉन में फोर थ्री अपॉन में फोर फ्रैक्शनल नंबर लिखने का सिंपल तरीका होता है कि न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है थ्री तो हम उसका नंबर नेम लिखेंगे थ्री देन बार का यूज़ करेंगे हम और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है फोर है तो फोर के साथ में हमें टीएचएस लगाना है देन थ्री फोर्थ हो जाएगा ये नाउ कम टू पार्ट बी बी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है फाइव अपॉन सेवन सेम रूल फॉलो होगा फाइव हमारे पास डिनोमिनेटर में कैपिटल लेटर से हम इसको लिखेंगे इसका नंबर नेम फाइव बार का यूज़ करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है सेवन है देन सेवन्थ्स लिखेंगे टी एच एंड एंड में एस ये हुआ है इसका फ्रैक्शनल नंबर सी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है एट अपॉन इलेवन सेम डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है एट है कैपिटल लेटर्स में हम एट का नंबर नेम लिखेंगे एट बार का यूज करेंगे एंड इलेवंथ के एंड में हम टी एच एस लगाएंगे इलेवंथ्स ई एल जस्ट लाइक दिस अब हमारे पास डी पार्ट में जो फ्रैक्शन है वो है ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी सेम हम इसका जब फ्रैक्शनल नंबर लिखेंगे तो नोमिनेटर में हमारे पास ट्वेल्व है तो कैपिटल लेटर से ट्वेल्व का नंबर नेम लिखेंगे ट्वेल्व बार का यूज़ करेंगे एंड देन हमारे पास क्या है फिफ्टीन्थ फिफ्टीथ है डिनोमिनेट फिफ्टीन है डिनोमिनेटर में तो हम फिफ्टीनथ लिखेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन नंबर आएगा वो आएगा ट्वेल्व फिफ्टीथ ई पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है नाइन अपॉन में ट्वेंटी सेम रूल फॉलो होगा डिनोमिनेटर में हमारे पास नाइन है तो हम नाइन लिखेंगे देन बार का यूज करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या ट्वेंटी है तो ये हमारे पास ट्वेंटी हो जाएगा इस टाइप से हमारे पास जितने भी फ्रैक्शन थे हम उसका इजीली फ्रैक्शनल नंबर लिख सकते हैं नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एट एंड द स्टेटमेंट इज हाउ मच इज क्वेश्चन एट में हमें बताया कि कितना होगा मतलब सिंपली हमें फ्रैक्शन निकालनी है ए पार्ट में है 15 मिनट्स ऑफ एन आवर की एक आवर में से अगर हम 15 आवर्स 15 मिनट्स को एक आवर के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगा तो सिंपल हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो क्या हो जाएगी फिफ्टीन अपॉन में हमें पता है वन आवर में कितनी मिनट होती है इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट पहले आवर को हम सिक्सटी सॉरी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो गया है सिक्सटी मिनट्स अब हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आया है फिफ्टीन मिनट अपॉन में वन आवर अब इज़ इक्वल टू फिफ्टीन मिनट एज इट इज़ अभी आपने आवर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो अभी आपने कन्वर्ट किया है मिनट्स में सिक्सटी हो गया फ़िफ्टीन के टेबल से कट करेंगे फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी तो यहाँ पे इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी वन बाई फोर तो जो रेशियो आया है वो हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है फिफ्टीन मिनट्स ऑफ और वन uh, आर की वो आई है वन अपॉन फोर नाउ कम टू बी पार्ट बी पार्ट में हमें बताना है फ्रैक्शन ट्वेल्व आवर्स ऑफर डे तो हमें पता है डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं वन डे इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो क्या आई है ट्वेल्व आवर्स अपॉन में वन डे इज इक्वल टू ट्वेल्व की जगह पे ट्वेल्व रखेंगे डे को अभी हमने आवर्स में कंप्लीट किया है अभी हमने यहाँ पे क्या किया इसको आवर में कंप्लीट किया है तो हम वन डे की जगह वन डे को हम किससे रिप्लेस करेंगे ट्वेंटी फोर आवर से तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फोर अब हम इसको रिड्यूस करेंगे ट्वेल्व वन जयर ट्वेल्व ट्वेल्व टू जय ट्वेंटी फोर तो हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल के आई है वो हमारे पास क्या आ गई वन अपॉन टू जो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन आई है वो आई है वन अपॉन टू वन अपॉन टू ऑफ ट्वेल्व आवर ऑफ अ डे नाउ कम टू पार्ट सी वन बाई टू ओफ रुपीज़ वन थर्टी सिक्स हमारे पास सिंपल है रेश फ्रैक्शन गिवन है वन अपॉन में टू ओफ़ की ओफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई इसको हमें करना है थर्टी सिक्स से इसका फ्रैक्शन निकालना है तो थर्टी सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा थर्टी सिक्स अपॉन टू एज इट इज़ अब थर्टी सिक्स को जब हम टू से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एटीन और अब हमारे पास जो आंसर आया है वो रुपीज़ में आएगा मतलब वन बाई टू ऑफ रुपीज़ थर्टी सिक्स इज इक्वल टू रुपीज़ एटीन नाउ कम टू पार्ट डी फोर बाई फाइव ओफ़ फोर्टी बुक्स सिंपली हमें क्या करना है फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसका रेशियो निकालना हमें फोर्टी तो बुक्स से तो फोर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ से हम इसको रिड्यूस करेंगे फाइव के टेबल से फाइव वन जा फाइव फाइव वन जा फ़ाइव फाइव एट जा फोर्टी अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है रिडक्शन के बाद एट को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थर्टी टू यानि फोर बाई फाइव अगर हम फोर्टी बुक्स का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा थर्टी टू बुक्स नाउ कम टू पार्ट ई ई पार्ट में हमें क्या गिवन है थ्री बाई सेवन ऑफ ट्वेंटी एट टॉफ़ीज़ यानि ट्वेंटी एट टॉफीज़ का हमें फ्रैक्शन निकालना है थ्री बाई सेवन तो सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री अपॉन सेवन ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और टॉफ़ीज़ हमारे पास गिवन है ट्वेंटी एट तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको रिड्यूस करेंगे सेवन वन जै सेवन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट रिड्यूस करने के बाद में हमारे पास क्या आया है थ्री और फोर ऊपर बचे हैं दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फोर थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा ट्वेल्व 12, यानि 12 ट्वेल्व टॉफीज़ यान अगर हमारे पास ट्वेंटी एट टॉफ़ीज़ है उसका हम थ्री बाई सेवन पार्ट निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा ट्वेल्व टॉफ़ीज़ नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट एफ फोर बाई सेवन ऑफ थर्टी फाइव पेंसिल हमें क्या लेना है फोर अपॉन सेवन मल्टीप्लाई का साइन ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई आएगा थर्टी फाइव अब सेम इसको भी हम रिड्यूस करेंगे सेवन के टेबल से सेवन वन जा सेवन सेवन फाइव जा थर्टी फाइव आफ्टर रिडक्शन हमारे पास क्या बचा है ऊपर फोर और फाइव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ट्वेंटी पेंसिल्स यानी हम थर्टी फाइव पेंसिल्स का फ्रैक्शन निकाले फोर बाई सेवन तो वो हमारे पास क्या होगा ट्वेंटी पेंसिल्स नाउ कम टू नाइन्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस एक्सरसाइज स्टेटमेंट इज सुधीर हैज फोर्टी फाइव बोल्स ही गिवस फाइव बाई नाइन ऑफ दैम टू हिज सिस्टर हाउ मैनी बोल्स डिड हिज सिस्टर रिसीव हाउ मेनी बोल्स आर लेफ्ट विद सुधीर सुधीर के पास फोर्टी फाइव बोल्स थी फोर्टी फाइव बोल्स का फाइव बाई नाइन पार्ट उसने अपनी बहन को दे दिया अब उसकी बहन को कितने बोल्स मिले हमें यह निकालना है और उसके बहन को देने के बाद में टोटल कितनी बोल्स हमारे पास सुधीर के पास बची है वो भी निकालना है नाउ क्वेश्चन सोल्व करेंगे सुधीर हैज़ बॉल्स कितनी है उसके पास फोर्टी फाइव ही गेव बॉल्स टू तो हिज सिस्टर उसने कितनी बॉल्स दी हैं फाइव बाई नाइन ऑफ जो उसके पास टोटल बॉल्स थी फोर्टी फाइव सिंपल इसमें भी हम रिडक्शन यूज करेंगे नाइन को कट करेंगे नाइन वन जा नाइन नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव कट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा ऊपर uh, बचा है हमारे पास फ़ाइव और फाइव 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 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव बॉल्स यानी सुधीर ने अपनी बहन को ट्वेंटी फाइव बॉल्स दी हैं अब नेक्स्ट उसने बोला था क्वेश्चन में कि बॉल्स आर लेफ्ट विद सुधीर कितनी बॉल्स बची हैं टोटल सुधीर के पास थी फोर्टी फाइव बॉल्स उसने अपनी सिस्टर को दी हैं माइनस ट्वेंटी फाइव बॉल्स नाउ जो बॉल्स हमारे सुधीर के पास बचेंगी फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी फाइव को माइनस करेंगे तो वो हो जाएंगे ट्वेंटी बॉल्स आर लेफ्ट विद सुधीर